गुजराती में बोलते हैं ना वावा जोड़ू आया है। पता है स्कूल में होके तब ड्राइंग किया होगा आपने। इस प्लेट का प्राइस है 40 रुपए। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपको पता होगा आज है संडे, अपना राइड का डे, और नहा धो के मस्त फ्रेश हो गया हूँ और अभी निकल रहा हूँ राइड पे जाने के लिए। और अभी जो टाइम हुआ है दिखा देता हूँ एक बार, सुबह गए 3:52, 4 बजे राइड पे निकल रहा हूँ। सोच लो कितनी एक्साइटेड राइड होगी, किसके साथ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो अभी का सीन क्या था ना, आज की जो राइड थी मैं अकेला ही जाने वाला था और बाइक पे ही जाने वाला था, जो बड़ोड़ा से अराउंड 200 किलोमीटर है। तो ये लोकेशन सिर्फ मैंने विक्रम भाई को सेंड की तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं भी चलूंगा। तो आज का प्लान जो है कि आज बाइक राइड नहीं है, हम लोग सब कार में जा रहे हैं और ऑलरेडी मैंने बता दिया मैं और विक्रम भाई दोनों साथ में जा रहे हैं। तो बस अभी मैं उनके घर पे ही जा रहा हूँ, बाइक मैं वहाँ पे पार्क कर दूंगा और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे साथ में जाने के लिए। क्लाउड्स देख रहे हो, ये सब गुजराती में बोलते हैं ना वावा जोड़ू आया है, बिपर जो है या क्या नाम है, मुझे नाम एक्चुअली याद नहीं है। वो सब उसकी वजह से ये सब क्लाउड वेदर जो है ब्लैक ब्लैक हो चुका है। और जैसे कि बताया कि आज हम लोग बाइक राइड पे नहीं जा रहे, कार राइड में जा रहे। जो प्लेस आपको पता चली गया होगा जो बड़ोड़ा से 210 किलोमीटर, मैं विक्रम भाई और लास्ट टाइम जो सिद्धार्थ था हम लोग जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने रुके और अभी टाइम जो है 6:30 हुए सुबह के, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं आगे के अपने सफर में। और आज का जो सफर है बहुत मजा आने वाला है बिकॉज ये प्लेस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जोरदार है। ये देखो अभी मौसम, बारिश का नजारा। तो जैसे अभी हमने बताया था हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने खड़े हुए, ब्रेकफास्ट में तो गर्म में ज्यादा से ज्यादा पोहे होते हैं, भजी होते हैं, भजिए खाने नहीं थे। इडली देख के मन नहीं था खाने का और खमन देख के भी इच्छा नहीं थी, तो पौवा लिया। पौवा जो लिया दिखाता हूँ मैं एक बार आपको ध्यान से। इस प्लेट का प्राइस है 40 रुपए, 20-30 समझे पर 40 रुपए प्लेट भी इतनी सी है, देख के ही पता चल रहा होगा। ज्यादा कुछ नहीं है, एक सेव रखी है, मेरे को लगता है 20 रुपए जो ज्यादा लिए वो इस चीज के लिए है, ये खेलने के, ये जो इसने लगाए यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए, तो शायद उस चीज के 20 रुपए एक्स्ट्रा हमसे लिए तो वो वसूल कर रहे हैं। अभी यहाँ खा के फिर वहाँ खेलने जाएंगे तो 20 रुपए वसूल होंगे एक्स्ट्रा। 40 रुपए की प्लेट की पौवा खा के अभी निकले है, पेट इतना भर गया है 40 रुपए की प्लेट में कि शाम को खाने का इच्छा ही नहीं हो। और इतना गर्म था कि अंदर गया वो तुरंत ठंडा हो गया, मतलब नाम का गर्म था, बाकी तो ठीक है। अभी इनसे पूछो उन्होंने 2 प्लेट खाए, कोई मजा नहीं है बिल्कुल। मतलब मैंने सोचा 40 रुपए ले रहे तो मतलब इतनी छोटी प्लेट दे रहे तो अंदर कुछ और डाल के देंगे, लेकिन एकदम सादे प्लेट थी, ऊपर थोड़ी वो जो सेव होती है छोटी वाली सेव वो ऊपर डाली हुई थी, बाकी कुछ मतलब बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं थे, ठंडे एकदम ठंडे। पर वो 40 रुपए वाला कुछ बोल रहे थे वो बताओ ना, कोई भी आइटम लो। हाँ उनका तो फिर नियम है कोई आइटम 40 रुपए ही। तो मैंने सोचा कि वो फिर बोल रहे थे आपको चाय वाय पीनी, मैंने कहा चाय तो नहीं पीनी, मैंने कहा चाय भी है तो 40 में बेचेंगे ही, तो इसलिए मना कर दिया, लूट लिया हमको। पे थोड़ा ट्रैफिक जाम था कि यहाँ पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, तो ये कुछ पड़ा है इधर और दो ट्रक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ है। तो ये रास्ता देख के तुमको ऐसा लग रहा है कि जाम जा रहे हैं उसके जगह किसी गांव में घूमने आ गए। ये देखो यहाँ पे सब गांव ही और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, घर है, पता नहीं अभी कहाँ पहुंच गए हम लोग। अभी देखते हैं गूगल लेके जा रहा है, गूगल के सारे जा रहे हैं, अभी कहाँ तक जाते हैं, कौन से रास्ते पे लेके जा रही है पता नहीं। 3 स्टेट्स जा रहे हैं हम लोग, 3 स्टेट पॉइंट, अभी शायद कहाँ पे है एग्जैक्टली वो हमको भी आइडिया नहीं है। यहाँ से अप्रोक्स अभी 92 किलोमीटर और बाकी है और जो टाइम दिखा रहा है और 3 घंटे बता रहा है। तेरे भरोसे तो आए हम, तू ले जाएगा, तूने देखा होगा, तू ही मना बोल रहा है। मैं तो पहले मैंने जो सुबह का वीडियो था आपने, मतलब जो मैं अपना इंट्रो करवा रहा था, तो उसमें सब कुछ ऐसा बोला था कि वो भाई साहब को पता है कि कहाँ पे है क्या है, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये यहाँ पे हाथ खड़े कर रहा है, ऐसा थोड़ी चलेगा। और गूगल ने भी शायद भटका दिया, अभी आ गया मेन रोड वापस, तो ये अभी अपना मेन रोड आ गया, इधर से वापस अपना हाईवे रोड चालू हो रहा है, मतलब गाँव में से शॉर्टकट रास्ते से लेके आया है। पिछले 1 घंटे से गूगल हमको ऐसे ही रोड पे चला रहा है, रोड देख रहे हो मतलब कितना खराब है। देखो मैं आपको कांच खोल के दिखाता हूँ एक बार, ये देखो कितना खराब रोड है, पिछले 1 घंटे से ऐसे जंगल में ऐसे रोड पे ही चला रहा है, पता नहीं अच्छा रोड अब कब आएगा।
गायों के साथ बकरी फ्री है या तो बकरियों के साथ गाय जो अभी हमारा रोड रोक के खड़े हैं यहाँ पे बीच में। और ये क्या सीन है, मतलब ये वादियों में और इसके साथ जो अभी नेचर का एटमॉस्फेयर हो चुका है, वो दो दिन जो वावाझोड़ू आने वाला था गुजराती में उसको वावाझोड़ू बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता, तूफान आने वाला था, उस वजह से ये जो सीन सीनारी हो गया बहुत ही बढ़िया हो गया है। मतलब वो देखो यहाँ पे पूरे और जो ग्रीनरी दिख रही है, और अगर इधर थोड़ा बहुत पानी होता, ये इस साइड क्या है कि पानी का फ्लो जाने का रास्ता है, तो मजा ही कुछ और आता। तो ये बाहर का नजारा है काफी बढ़िया है, ऊपर क्लाउड्स जो है पूरे ब्लैक ब्लैक हो चुके हैं, हो सकता है बारिश गिरे ना भी गिरे। और यहाँ पे सब रोड जो है खुद के रखे है, मतलब सिंगल लेन रोड ही दिख रहा है यहाँ पे, अगर सामने गाड़ी आ रही है तो ओवरटेक करना मुश्किल है, दूसरा के काम वगैरह चालू। और पिछले एक डेढ़ घंटे से हम लोग इसी रोड पे घूम रहे हैं, ऐसे रोड पे। और ये यहाँ का कुछ नजारा ऊपर का, और ये देखो काफी चुनौती भरा रास्ता है, ओवरटेक तो नहीं है यहाँ पे, कैसे निकलेगी दो गाड़िया। हम लोग के इस साइड तो थोड़ा बहुत सेफ है कि ये है, इस साइड क्या होगा, पैसेंजर के साथ गाड़ी नीचे जाएगी। ये जो आप व्यू देख रहे हो ये है महाराष्ट्र, अब तक जो हम लोग चल रहे थे वो गुजरात बॉर्डर थी, और अभी ये जो एरिया है जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं महाराष्ट्र बॉर्डर है, और थोड़ी देर के बाद आगे जाएंगे तो वापस गुजरात बॉर्डर आएगी, और उसके बाद फिर से आगे जाएंगे तो गुजरात महाराष्ट्र एमपी तीनों बॉर्डर आ जाएगी, इसलिए उसी जगह का नाम है थ्री स्टेट पॉइंट, तो उसी को हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आज। तो ये यहाँ का कुछ व्यू है, 2-5 मिनट के लिए सिर्फ ब्रेक लिए यहाँ पे एक दो शॉट लेने के लिए, और बारिश छा गई। और यहाँ पे ये जो घाट है ये, इसके ऊपर हम लोग पूरा रोड के इधर से होके पूरे इधर से अंदर आए, और ये बारिश तो दबा के चालू होगी, वापस गाड़ी में बैठना पड़ेगा। और इस घाट का नाम है मोलगी घाट, और बाहर इसलिए निकले थे कि बारिश नहीं गिर रही थी, तो एक दो वीडियो के शॉट्स ले सके हम लोग, इसलिए जैसे ही बाहर निकले बारिश चालू हो गई वापस। ये देखो यहाँ पे आपको कांच पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये यहाँ का कुछ व्यू है ये, और अभी मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया था बिकॉज के बारिश थोड़ी स्टार्ट हो गई थी और अभी बंद हो गई, तो वापस बाहर आ गया। मतलब सुबह से निकले तब से बारिश गिर रही है, बंद हो रही है, गिर रही है, बंद हो रही है। देखो अभी बारिश इतनी गिर रही थी और अभी एकदम से धूप हो गई है। और ये जो एरिया है पूरा मोलगी घाट है, तो पूरा घाट सेक्शन है, तो अभी यहाँ से रोड तो दिख नहीं रहा है, मुझे ऐसा था कि शायद यहाँ निकलूंगा तो बाहर रोड का व्यू दिखेगा, पर नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, आपको आगे का पॉइंट दिखाएंगे, उसके मजे लेना आप। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ जो यहाँ पे सबसे फेमस है, ये रोड नहीं है, ये जो आ रही है गाड़ी है, देखो कितने लोग बैठे, एक ब्रेक मारी तो सब ब्लूर करके सब आगे आ जाएंगे। ये देखो, वाह, ये देखो, मतलब एक गाड़ी पे कितने जन बैठे हैं, 7 सीटर पर होंगे 20 जन जितने। और क्या ही व्यू है, मतलब क्या ही व्यू, देखो इतनी ये सब खाई है, जहाँ पे हम लोग खड़े थे पीछे वो रोड है वहाँ पे खड़े थे, और अभी इसको सब पार करके हम इधर ऊपर आ रही है, देखो इस साइड पूरी खाई ही खाई है। अगर गाड़ी थोड़ी भी इधर से इधर हुई उससे इस साइड, तो आपकी गाड़ी सीधे नीचे जाएगी, नीचे गाड़ी भी जाएगी आप भी जाओगे साथ में। पहाड़ों पे इसको गाड़ी सिखा रही है भाई, देखो ये पहाड़ों पे गाड़ियां सिखा रही है। सोचो ये एरिया थोड़ी है गाड़ी सिखाने का, अगर किसी को अगर बाई चांस इधर या इधर गए तो इस साइड खाई में और इस साइड भी खाई में, मतलब हम लोग ग्राउंड में गाड़ी सीखने जा रहे हैं, ये पहाड़ों में गाड़ी सीख रहे हैं। मैं फोटो खिंचाने के लिए खड़ा था वहाँ पे, लेकिन साइड में हट गया क्योंकि वो सामने आ रहा था, क्योंकि अपने को रिस्क नहीं लेना है, अपने अपनी जान प्यारी है। यहाँ पे अब तक मैंने ऐसी 5 से 6 गाड़ियां देख ली है, सब ऐसे ही जा रही है, बोलेरो में ऊपर नीचे बैठ के, मतलब सब ऐसे ही जा रहे हैं, अब तक से 5 से 6 गाड़ियां देखी है ऐसी। ये यहाँ का कुछ नजारा है, सब पहाड़ी पहाड़ है, सीखने के लिए है, और क्या ही नजारा है, मतलब जोरदार, काफी जोरदार। सामने का व्यू ऐसा लग रहा है ना, पता है स्कूल में होके तब ड्राइंग किया होगा आपने, तो माउंटेन्स बनाए होंगे उसके ऊपर क्लाउड्स बनाए होंगे, सेम वैसा लग रहा है, मतलब पूरा किसी ने पेंट किया है वैसा ही लग रहा है, ध्यान से देखोगे तो पूरा पेंटिंग जैसा लग रहा है, काफी खूबसूरत, मतलब बहुत ही बढ़िया सुंदर नजारा है।